सब्सक्राइब कीजिए सुमित कैरा के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। मैं सुमित एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका सुमित कैरा के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड सभी स्टूडेंट के लिए है, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। और एक्चुअली मुझे कुछ मैसेज और कॉल्स आए हैं, और एक भाई हैं ये तरुणेश कुमार जी, जिन्होंने कमेंट में भी बताया है कि प्लीज़ आप एक वीडियो बनाओ जिसमें कि टैटू के बारे में बताया जाए और टैटू कहाँ पे होना चाहिए एक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए, कि टैटू कहाँ होना चाहिए, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो बस इसके बारे में ही आज का ये वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और फ्रेंड्स, बिना स्किप किए हुए लास्ट तक इस पूरे वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट हो वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, और आप अगर टैटू बनाने वाले हो तो आपको पता चल जाए कि होटल मैनेजमेंट के एक स्टूडेंट को टैटू कहाँ बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, टैटू कराने के लिए कोई बात नहीं है, आप टैटू करा भी सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि आप जहाँ भी टैटू बनवाओ तो वो पार्ट आपके ड्रेस से हाइड हो जाना चाहिए। मतलब कि आपका टैटू जो है वो किसी को दिखना ही नहीं चाहिए बाहर, जब आप अपने यूनिफॉर्म में हो तो आपका टैटू किसी को ना दिखे। तो आप वैसे जगह पे अपना जो टैटू है वो आप बनवा सकते हो, जैसे कि अगर आप अपने नेक पे बनवाते हो, अपने गर्दन के ऊपर अगर आप कोई टैटू बनवाते हो तो वो आसानी से सभी को दिख जाएगा। तो इस तरह से करके कोई भी टैटू नहीं करवाना है आपने। और टैटू जैसे आप अपने अपने आर्म्स के ऊपर बनवा सकते हो, अपने चेस्ट पे बनवा सकते हो, या जहाँ भी ऐसे पार्ट पे बनवाना जो हाइड रह सके, जो आपके यूनिफॉर्म से हाइड हो, आप उसी पार्ट पे टैटू करवाना, तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आप ऐसे जगह पे टैटू करवाना ही मत जहाँ से किसी को भी आपका टैटू दिखे जब आप एक यूनिफॉर्म में हो, तो वैसे जगह पे तो टैटू आप करवाना ही नहीं। और फ्रेंड्स, एक और बात जो आप लोगों को बतानी है मैंने इस वीडियो के रिलेटेड, कि आप लोग जहाँ से भी टैटू करवाते हो तो किसी अच्छे टैटू बनाने वाले के पास से ही बनवाओ, जो वेल एक्सपीरियंस्ड है और वो एक सर्टिफिकेट भी दे आपको, जिससे कि एक्चुअली क्या है कि टैटू कराने के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हैं। मैं आपको बता दूं कि टैटू करवाने से अगर आप बहुत ज़्यादा टैटू करवाते हो, अगर वो ख़राब इंक से या किसी भी ख़राब कलर का यूज़ करता है, अच्छे क्वालिटी का कलर यूज़ नहीं करता है आपके टैटू बनाने में, तो उससे आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो बी अलर्ट एंड बी सेफ, तो मेरा फ़र्ज़ था आप लोगों को बताना, बिकॉज काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो राह चलते किसी से भी बनवा लेते हैं टैटू। तो प्लीज़ आप लोग अवॉइड करें, वैसे उस तरह से टैटू ना बनवाएं, किसी अच्छे टैटू वाले से ही बनवाएं, वहाँ कुछ पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको वहाँ से ही बनवाना है, बिकॉज सेफ रहो, सुरक्षित रहो, वो ज़्यादा बेटर है, न कि पैसा। तो आपका अगर कुछ पैसा एक्स्ट्रा लगता है तो भी आप किसी अच्छे सर्टिफाइड टैटू वाले से ही टैटू जाके बनवाओ, जो आपको एक सर्टिफिकेट दे कि हाँ, मैं जो बना रहा हूँ, मैं जो कलर यूज़ कर रहा हूँ, मैं जो भी मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ आपके टैटू बनाने में, उससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी कैंसर वगैरह, किसी भी डिजीज़ का कोई खतरा नहीं है, तो आप उससे ही टैटू बनवाओ। एंड लास्ट फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि टैटू आप उसी पार्ट पे कराना, अपने बॉडी के उस पार्ट पे ही कराना जो आपके यूनिफॉर्म से हाइड रहे, जब आप अपने यूनिफॉर्म में हो तो वो टैटू किसी को दिखे ना, तो आप उस पार्ट पे ही अपना टैटू जो है वो आप करा सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपने अपने बॉडी के किसी भी ऐसे पार्ट पे टैटू करवा लिया है या आगे आप करवाते हो जो कि हाइड ना हो, आपके यूनिफॉर्म से हाइड नहीं होता है वो, जैसे कि आप अपने नेक पे करवाते हो या अपने रिस्ट पे करवाते हो, तो वो आपके यूनिफॉर्म से हाइड नहीं होता है, अगर आप ऐसे किसी जगह पे टैटू करवाते हो तो बाद में आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है। बिकॉज़ अगर आप इंटरव्यू में जाते हो और आपका टैटू अगर दिख जाता है तो आप रिजेक्ट भी हो सकते हो। तो इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप वैसे जगह पे ही टैटू कराओ
जो आपकी यूनिफॉर्म से हाइड रह सके और बाहर किसी को भी ना दिखे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी फ्रेंड्स टैटू बनाने वाले हैं या आपके जो भी कोई जान पहचान के हैं जो जिनको टैटू बनाना है, तो आप उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनको ये पता चल जाए कि टैटू बनवाने के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और टैटू कहाँ बनवाना चाहिए। और फ्रेंड्स किसी भी क्वेरी के लिए आप यहाँ स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों के पास कोई, अगर आप मुझे कुछ कोई नया राय देना चाहते हैं जिसके ऊपर मैं कोई और वीडियो बना सकूं, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो NCHM होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बगल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।